यात्री अगर कृपया ध्यान दे, आप जिस वीडियो को देखने वाले हैं उसमें बहुत गंदी गालियों का इस्तेमाल हुआ है। कृपया हेडफोन लगा के वीडियो देखिए। थैंक यू। इंस्टाग्राम जो कि एक सोशल मीडिया साइट है जो लोग यूज करते हैं, क्रिएटेड बाय फेसबुक, जो जहाँ पे सेलिब्रिटीज पोस्ट करते हैं, लोग पोस्ट करते हैं, गेमिंग कंपनीज, कॉमिक्स, सब लोग पोस्ट करते हैं। पर कभी कभी कुछ ऐसे प्रोफाइल्स और पोस्ट को देख के मेरा सर खौलने लग जाता है कि क्या है ये सब, क्या है। तो आज हम उन्हीं प्रोफाइल्स को देखने जा रहे हैं। What's up GVDV community and welcome to the new video. Oh by the way, मेरे left वाले बंदे को देख रहे हो? वो एक default था, ठीक है? मैं असल में dark skinned हूँ and I'm not ashamed of it. और अगर आपको इससे कोई problem है, then admit it, you're a racist. वैसे क्या आप लोगों को इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स में जो बायो लिखा रहता है उसके बारे में पता है? उसके बारे में असल में ये बात है कि उधर आपको बताना पड़ता है आपके बारे में, व्हाट यू डू या व्हाट इज़ योर मोटो इन लाइफ या वैसे कुछ। पर लगता है कुछ लोगों को ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती। नहीं मतलब ये है क्या? Fate whispers to me a storm is coming. I whisper back. I am the storm. नहीं 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 क्या क्या हम लोगों के क्या चूतिया समझ के रखा है कि जो भी बोलोगे समझ जाओगे? मन करता है ये चेयर फेंक के मारूं इसके मुंह में। I am the storm. वही सोचो कल अखबार में पढ़ रहा था कि कल एक स्टॉर्म आएगा जिसका नाम है चमन चूतिया। लगता है यही बंदा है। मेडियन ठीक है, स्कूल का नाम 15 ओके 5th जुलाई के कैंसर। वैसे जान के तो बड़ा दुख हुआ। अरे यार ये क्या कर दिया मैंने? अबे चुप, कैंसर बोल के कॉन्स्टेलेशन भी होता है। अरे हाँ, ओह गॉड, थैंक गॉड, कैंसर का मतलब कॉन्स्टेलेशन। बड़ी बड़ी वीडियो में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। छोटी बात, बेंचोत बच्चे को मार डाला। चलो अब इसकी कुछ पिक्चर्स देख लिए जाए। No, God! No, God, please, no! 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 Your swag, bud. इसमें swag क्या है यार? ये तो बच्चों को डरावने। इसका मतलब नहीं नहीं मैं बच्चा नहीं हूँ, नहीं 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 मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं बच्चा नहीं हूँ। इधर का कैप्शन है We don't walk alone. Hashtag walkers. मेरे पास इससे अच्छा नाम है ग्रुप के लिए, चिपके हुए लंड। बेंचोद अपने आप को एलन वॉकर समझते हैं। मेडियन 15 अगली पिक्चर्स अलर्ट फॉलो एट योर ओन। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। पब्लिक फिगर यार, हाउ डज इवन इंस्टाग्राम अलाउ इट? पब्लिक, ये बंदा कब से पब्लिक फिगर बन गया यार? फिर तो उस हिसाब से मैं तो बहुत फेमस होऊंगा। अच्छा वो इधर फॉलो एट योर रिस्क पहले से लिखा हुआ है। एंड आई स्टिल डोंट नो व्हाई लोग अपने इंस्टाग्राम में कोट्स छोड़ते रहते हैं। आई मीन उनका तो कोई कोट्स। क्या है ये सब, क्या है ये सब? आई डोंट नो व्हाई आधे लोग अपने पोस्ट में सिर्फ साइंस और सिंबल्स देते रहते हैं। क्या मतलब है इन सब का? ओह ओह ओह
वेरी सॉरी। अब पता चल गया मतलब क्या है। I mean, इससे क्या फायदा हो रहा है? ये देखो क्या फायदा हो रहा है। Damn son, where'd you find this? ओह ये बात है। फिर आती है एक ऐसी लड़की जिसके हर पोस्ट में एक हैशटैग तो रहेगा और वो ही कैप्शन है, बस वो हैशटैग माय पगली। अरे कोई पिक्चर तो देख। टैग पाउट, हैशटैग भाषण, हैशटैग हैविंग फन विद माय ब्रो एंड सिस। यो यो, वैसे ब्रो एंड सिस के साथ वॉचमैन अंकल भी आ गए। यस फाइनली आई एम ऑन इंस्टा। हैशटैग कैंडिड पिक, ये कैंडिड पिक है। मारो, मुझे कुछ चीज याद आता है। वैसे आप लोगों में से किसी को याद है एक जोनाथन वाज नामक व्यक्ति जिसको मैंने अपने कुछ प्रीवियस वीडियोस में रोस्ट किया था? वेल देखा जाए तो वो इंस्टाग्राम में है, जोनाथन वाज म्यूजिक। ओह भाई साहब ने नीचे आर्टिस्ट लिख के रखा है। अभी तक इधर रॉक ने आर्टिस्ट नहीं लिखा, इमेजिन ड्रैगन्स ने आर्टिस्ट नहीं लिखा, रायन रेनॉल्ड्स ने आर्टिस्ट नहीं लिखा और इस बेंचोद ने ऑलरेडी आर्टिस्ट लिख दिया। सीरियसली हाउ डज इंस्टाग्राम अलाउ दिस? इस फोटो में लेफ्ट में जोनाथन खड़ा हुआ है और राइट में एक बड़ा सा बड़ा क्यूट दिखने वाला लड़का खड़ा हुआ है। उस लड़के के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे किसी और दिन। पर इस फोटो के नीचे मार्वल स्टूडियोज चार्ली पुथ ये सब क्या कर रहा है? विराट कोहली को भी नहीं छोड़ा यार, ज़ारा लार्सन, ज़ेन, माय गॉड। अरे यार रास्ते में खड़े होके कौन फोटो खींचता है? और उसने तो सोनी म्यूजिक स्वीडन और वीवो को भी टैग कर दिया। क्या यार इसका कैप्शन क्या लिखा? आई रियली डोंट नो हु टुक दिस आउट बट इट्स टुडेज वन सो अ न्यू सॉन्ग ऑन इट्स वे सून। मतलब उसको पता ही नहीं है इस नहीं, बहुत ज्यादा क्रिटिकल गाली। इस भोसड़ी का को पता ही नहीं है कि उसकी पिक्चर किसने खींची है। इसे स्नोनी म्यूजिक स्वीडन को टैग किया हुआ है वीवो में और ये सूट बूट पहन के रस्ते में खड़ा हुआ है। क्या ये सब? यही नहीं, इसने तो एक्सिस क्लोथिंग और पूमा को भी नहीं छोड़ा। I mean, ये लोग करते क्यों है? जैसे इसने अभी रोलेक्स और H&M को टैग किया हुआ है। It's responsibilities that ruin the fun of adulthood. हाँ हाँ भोसरू, जब बड़ा हो जाएगा तब जब बच्चा पैदा करेगा फिर तो क्या? अरे यार मेरा बच्चा है तो क्या, मैं एडल्टहुड में भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की गार मारना चाहता हूँ। सच्ची जब मम्मी कुछ बोलेगी लाने के लिए तब नहीं यार रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छा नहीं लगता मेरे को, गार मारो रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। खुद तो बड़े दाढ़ी मूछ लगा के घूमता रहता है, मेकअप वेकअप लगा के, और बोलता है कि इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज रुइन द फन ऑफ एडल्टहुड। क्या मतलब सच? हाँ बहनचोद, ये भी पब्लिक फिगर है, थोड़ा बहुत यूट्यूब में नाच किया लिया, ये भी पब्लिक फिगर है। सब्सक्राइबर्स मेरे एक साल लग गए इतने आने में और इसके इतने जल्दी हो गए और पहला वीडियो ही 450 व्यूज, माय गॉड। और ये वीडियो पोस्ट करते करते तो ये 100 तक पहुंच ही जाएगा। क्यों यूट्यूब क्यों? एंड देन ही लुक्ड एट मी इन फ्रेंच। नहीं मतलब एक आदमी एक आदमी को फ्रेंच तरीके से कैसे देख सकता है? और एक मतलब ये फ्रेंच इंडियन मतलब आइस की भी वैरायटी होती है। एंड देन ही लुक्ड एट मी इन फ्रेंच। आय हाय, ऐसी पिक देख के कतई मरने का मन कर रहा है। फीलिंग क्यूट माइट किल लेटर।
तो भाई और बहनों, अभी हमें ध्यान रखना है कि इस लड़की को हर समय क्यूट फील हो, वरना ये लोगों को मारती हुई फिरेगी। अरे यार, अभी तो ट्रॉमा से बाहर निकला था मैं, अब ये सब देख के दुख हो रहा है। कब आएगी वो मेरी जिंदगी में? कब 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 तक मैं सिंगल रहूंगा ऐसे? ओ बाय द वे, ये है हमारे आर्टिस्ट प्रचित द स्कल ब्रेकर। इसको तो ऐसे देख के लगता है इसने कभी प्रवचन नहीं मिस किया होगा सुबह सुबह। ए मम्मी को बता ये सब करते हो? हाँ, इस लड़की ने लिटरली एक ही पोज में चार अलग अलग फोटो खींची है जस्ट अपने फोन और हेडफोन्स को दिखाने के लिए। मेरा एक दोस्त था जिसको चिकन पॉक्स हुआ था, एंड मी एंड माई फ्रेंड्स वर रियली वरीड कि क्या हुआ, उसको कितना समय लगेगा आने में। सो उसने एक पोस्ट किया अबाउट हिज रिकवरी, एंड दिस इज पोस्ट, सुपर फास्ट रिकवरी आफ्टर चिकन पॉक्स। I work for money, for loyalty, hire a dog. माँ का भोसड़ा मुझसे नहीं होगा, इंस्टाग्राम निकल यहाँ से जल्दी। So what's up guys, I hope आपको ये नया टाइप का वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि बहुत दिनों से हिंदी में कोई वीडियो निकल भी नहीं रहा था। And I think my Christmas special will be सोनिक डब वंस अगेन। एंड मैं जो बोल रहा था, इन पीपल जो जिन लोगों को इधर दिखाया गया है उनको प्लीज़ हेट मत करना। अगर आपको उन लोगों को फॉलो करना है तो जाके नीचे मेरे अकाउंट में फॉलो करो, और मेरे अकाउंट में मैंने एक पिक्चर में उन सभी को टैग कर दिया है, तो उनको उधर से फॉलो कर देना, ठीक है? सो आई विल बी मीटिंग यू गाइज नेक्स्ट टाइम इन अनदर वीडियो। थैंक यू।